Welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. This is Suryanshi. So now we will discuss class 11th business studies ka first chapter. Main aaj aapke samne start karne wali hu. I hope aapko bahut acche se samajh mein aayega. Short notes main aapko provide karwane wali hu. Main yahi se likh ke aap chahe to uska screenshot likh sakte hain, le sakte hain ya fir aap likh bhi sakte hain isko. Theek hai? नेक्स्ट थिंग इज कि अब बिजनेस स्टडीज में पता चल रहा है बिजनेस के नाम से ही कि हम बिजनेस का बिजनेस की स्टडी करने वाले हैं. अब ये तो नहीं है कि पर्टिकुलर हर कोई पर्सन अलग अलग बिजनेस करता है, अलग अलग उसकी स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग उसका प्रॉफिट होता है, अलग अलग उसकी अर्निंग होती है, अलग उसका रेवेन्यू, अलग रिटर्न, अलग सब कुछ होता है. ठीक है, फर्स्टली सबका बिजनेस टाइप्स अलग होता है, बट द थिंग इज बिजनेस क्या होता है. ठीक है, सो बिजनेस एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज. अब क्या होता है, इनमें हम क्या कर रहे होते हैं, परचेज करते हैं इस एक्टिविटी में, उसका प्रोडक्शन करते हैं, फिर प्रोडक्शन करने के बाद में उसको सेल करते हैं जो भी गुड्स और सर्विसेज होती है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स, किसी भी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. मान लीजिए मेरे पास में ये मार्कर है, ठीक है, अब मुझे इसको बेचना है, मेरे पास में एक्स्ट्रा बना इसलिए मैं इसको बेच रही हूँ, मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं देख रही हूँ, मैं इसमें कोई लॉस नहीं देख रही हूँ, मेरे पास सिर्फ ये मार्कर है, मुझे इसको सेल आउट करना है. बट ये कोई बिजनेस नहीं है. बिजनेस में ये जो चीजें होती है वो कंटिन्यूटी होती है, लाइक परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, बिजनेस में ये चीजें कंटिन्यू होती है. लेकिन आपके पास में मान लीजिए कोई बाइक है, वो पुरानी हो गई है, अब आपको उसको कोई काम नहीं है, आपने उसको जब भी ओएलएक्स पे भेज दिया तो वो आपका बिजनेस है क्या? नहीं ना, वो आपके पास में खराब हो गई थी इसलिए आपने उसको भेज दिया, वो बिजनेस नहीं है. लेकिन अगर बिजनेस रेगुलरली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमें फोर एक्टिविटीज करनी पड़ती है, विच इज परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो. ऑल राइट, अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे है, हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. तो उसमें ये तो है नहीं कि मुझे डोनेशन करना है, दान देना है इसलिए मैं बिजनेस करूंगी, नहीं. तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखना जरूरी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी बाजार में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो मैं अपना माल बेचूंगी, उसी के अकॉर्डिंग तो मैं अपना गुड सेल करूंगी. मान लीजिए मार्केट में जिस चीज की प्राइस है 70 रुपीज, मान लीजिए मार्कर है, इस मैं मार्कर सेलर हूँ, मार्कर का मेरा बिजनेस है, इस मार्कर की मार्केट में रेट है 70 रुपीज, या तो मैं 70 में बेचूंगी या 70 से कम में बेचूंगी, एमआरपी से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकती. तो और जो भी स्टेशनरी की शॉप्स है वहां पे जाके अगर मैं देखती हूँ उस चीज को, तो वो भी इसी में शेयर, इसी में ही परचेज कर, इसी में ही सेल आउट कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, वो जब सेल आउट कर रहे हैं इस चीज को तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चल रही है कि हाँ भाई मार्केट में यही भाव चल रहा है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, सर्विस का, उसका प्रोक्योरमेंट होना जरूरी है. सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल हम किस बार्टर सिस्टम में भी करते थे लास्ट पहले के जमाने के लोग, लेकिन अभी हम सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एक्सचेंज ऑफ मनी के भी करते हैं कि मुझे कुछ चीज चाहिए, मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको सेल आउट कर रही हूँ, बदले मैंने उससे 70 रुपीज ले लिए. तो सेल ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, डील की जाती है रेगुलर बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज की. प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट भी अर्न की जाती है साथ में. ऑब्वियस बात है, मान लीजिए मैं कोई प्रॉफिट, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं तो उसको प्रॉफिट को लेकर ही करूंगी ना, चाहे वो प्रोफेशनल हो. प्रोफेशनल भी अपनी फीस लेता है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी अपना वेजेस लेके काम करता है. तो बिजनेस में भी यही चीजें होती है, प्रॉफिट अर्निंग तो इम्पोर्टेंट होती है. प्रॉफिट नहीं करेंगे तो हम बिजनेस ही क्यों करेंगे, ठीक है. और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न का ये है कि आज मान लीजिए मैं सोचूं कि आज मेरा 50,000 का माल बिक जाएगा, तो ये अनसर्टेनिटी है ना, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ ऐसा, पर एक्चुअली में ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है. तो रिटर्न क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है जिसका कोई अभी पता नहीं होता है, ठीक है. अब बिजनेस है, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, ठीक है.
बिजनेस के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है, बिजनेस के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग चल रहा है तो आप बिजनेस कर सकते हो। आप 10 साल के हो तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, बस आपके पास में दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको दिमाग के साथ में खेलना पड़ता है किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन एक्टिविटीज, इसमें कैसे इनकरेज हो, कैसे हम लोग इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में जो कंडीशंस आती है, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। बिजनेस है कोई भी कर सकता है, ठीक है, 12th पास आदमी भी कर सकता है, ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी हो, अनपढ़ भी कर सकता है बिजनेस, तो बस दिमाग होना चाहिए। प्रोफेशनल के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल के लिए उसे क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। प्रोफेशनल के लिए उसे क्या चाहिए, अपनी प्रोफेशन को करने के लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। ठीक है, अब प्रोफेशन होगा, मान लीजिए कोई लॉयर है, अब क्या वकीली तो जाके चुनाव, सॉरी वकीली तो जाके कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, क्या नॉर्मल इंसान भी लड़ सकते हैं, क्या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है क्या वो नॉर्मल आदमी कर सकते हैं, अगर उसे आता है तो वो कर सकता है, लेकिन जो प्रोफेशनल जो सर्विसेज दी जाती है उनके लिए डिग्री होल्डर होना जरूरी है। उसके पास में डिग्री होनी चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट की, जो वो सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो या डॉक्टर हो। क्या डॉक्टर का काम मैं और आप कर सकते हैं, क्या टीचर का काम, टीचर का काम हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, जो इसमें माहिर होगा, जो इस प्रोफेशनल में माहिर होगा वही ये काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है सैलरी और वेजेस के ऊपर, सैलरी और वेजेस के ऊपर होता है एम्प्लॉयमेंट, सैलरी एंड वेजेस के ऊपर होता है। मान लीजिए कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, वो वेजेस बेसिस पे होते हैं, सैलरी बेसिस पे होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए, अब इसके नोट्स क्या क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसका एस्टेब्लिशमेंट करना होता है। फर्स्ट हम उसका क्या करें, एस्टेब्लिशमेंट करें। सेकेंड हम क्या करें, उसके वर्क, उसके वर्क कैसा है, उसके वर्क का नेचर कैसा है। मान लीजिए मैं, आप जहां रहते हैं वहां पे जिस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा होगी मान लीजिए, तो आप उसी की शॉप खोलना पसंद करेंगे, तो नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन प्रोफेशनल हो आप तो आपके पास में डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीएस हो, या फिर वो लॉयर हो, या फिर वो टीचर हो। ओके, पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकते हैं प्रोफेशनल में, ठीक है। रिटर्न, यस, बिजनेस में हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, ये सबको पता है, और रिटर्न तो होता ही है। रिटर्न क्या होता है, या तो रिटर्न तो थ्री टाइप से होती है रिटर्न, तो हमारी रिटर्न या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। रिवॉर्ड भी उसी अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। रिस्क, रिस्क ऑब्वियस होती है, रिस्क बिजनेस में ज्यादा होती है, प्रोफेशन में कम होती है, एम्प्लॉयमेंट में भी कम होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वेजेस पे वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें अपना एम्प्लॉयमेंट जो भी उनका सैलरी होता है वो मिल जाता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में मैं खुद कर रही हूँ तो मेरे को ही पता है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। मेरे बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग, मेरे बिजनेस के मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग, मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सब चीजें डिफाइन होती है। और अब कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रोफेशनल डिग्रीज में कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करते हुए उन्हें वर्कआउट करना पड़ता है। ऑलराइट, अब ये एग्जांपल्स हैं, देखिए, अब एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए इसमें बिजनेस के, प्रोफेशन के, एम्प्लॉयमेंट के। एग्जांपल्स कैसे, बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, बिजनेस में कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, बस उसका माइंड अच्छा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। प्रोफेशन, प्रोफेशनल का तो पता है कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियर का काम मैं नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, जिसके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, इंजीनियरिंग का वर्क वो ही कर सकता है। ऑलराइट, सो ये सब चीजें थी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसे प्लीज सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के साथ में वीडियोस लेकर आती रहूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज ग्रो अप हो सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।